सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाय कहता बेहद छोट व्यवस्था पर सबसे जरूरी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। बता दी कि व्यवस्था यात्रा का यादगार घलाय बना दी थी। कुछ जगह में बने शौचालय जहां अपने स्वच्छता के कारण अपन छाप छोड़ जा था तो कहा शौचालय की गंदगी इनसे निकले वाली दुर्गंध के कारण ना चाहे के घलाय यात्रा जो उन्हें याद रह जाती। पर रीवा में संचालित होने वाले सुलभ कॉम्प्लेक्स वसूली के मात्र धंधा बन के रह गए हाँ। यहाँ आवे वाले लोगों से मनमानी पैसा तो लूटा जात है पर व्यवस्था अपना खुद ही देख ले। तो विन्ध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजने का प्रणाम कहते शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी कि रीवा के पुरान बस स्टैंड में लोगन के साथ सुविधा के नाम पर ठगी कीन जाल लाई हुए सुविधा खातिर लाखन रुपया खर्च करके सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए गए हमा। पर अभी सुलभ कॉम्प्लेक्स में बता दें कि कोनो मेर के सुविधा जो उन्हें नहीं आई अन्नमय नगर निगम के द्वारा यहाँ जो मूल्य सूची है रेट दर वह चस्पा कीन गया। अपना को बता दी कि ठेकेदारन के मनमानी के कारण रीवा में संचालित होए वाले सुलभ कॉम्प्लेक्स में रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं आए और एक कारण लोग शौचालय के उपयोग करे खातिर जे वहां आए रहे हैं लोग उनसे ठेकेदार के गुर्गा 10 रुपया के शुल्क जबरन ले रहे हैं जबकि नगर निगम के द्वारा महज 5 रुपया प्रति व्यक्ति शुल्क जो उन्हें निर्धारित कीन गए। बता दें कि एमपी संदेश न्यूज 24 के टीम ऐसने पुरान बस स्टैंड में सुलभ कॉम्प्लेक्स के सुविधान के और मूल्य सूची के जायजा ले पहुंची तो पूरा खुलासा होगा। बता दें कि सुलभ कॉम्प्लेक्स में आवे वाले व्यक्ति से 10 रुपया वसूला जाता है जहां शासन के द्वारा महज 5 रुपया के शुल्क प्रति व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं। बात की जाए अगर यहाँ के व्यवस्था के तो व्यवस्था अपना हमारे साथ चले वाली तस्वीर में देख ली जहाँ व्यवस्था के नाम पर लूट तो हो रहा ही पर व्यवस्था कुछ नहीं आए आवे वाले लोगों का निराशा मिला थी। बता दें कि सुलभ कॉम्प्लेक्स में हरदम यहाँ अव्यवस्थान का बोलबाला है। पानी सफाई और विद्युत व्यवस्था ठीक से नहीं आए यहाँ आवे वाले लोग सुविधा न होए के कारण निराश होए के हताश होए के लौट जा था। नगर निगम रीवा का बता दें कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के समस्या में ध्यान कई दर की आकर्षित करावा गा पर समस्या जस के तस हवे इन पर ध्यान दे वाला क्यों नहीं आए। बात की जाए कॉम्प्लेक्स के सुविधा के तब फिनाइल मलेरिया ऑयल बैक्टीरियल पाउडर तक जो स्वच्छता खातिर साफ सफाई खातिर बेहद जरूरी होता कीटाणुनाशक के कोनो मेर के व्यवस्था नहीं है जोने के कारण दुर्गंध के कारण आवे वाले लोगन के बता दी कि जीना मुश्किल हो जाते हैं वहाँ रुकब कुछ देर तक मुश्किल हो जाते हैं। अपना का बता दें कि आम जनता का सुविधा के उद्देश्य से बनाए जाए वाले ई कॉम्प्लेक्स घलाए अब वसूली के शिकार हो रहे हैं। लोगन से इनके साफ सफाई के नाम में व्यवस्था के नाम पर पैसा तो लीन जा रहा है पर व्यवस्था के अगर बात की जाए तो यहाँ पहुँचे वाले लोग निराश होई के जात हुआ जो उनके बेहद दुखद ही बता दी कि अब खबर दिखाए के बाद हो सकत है कि प्रशासन की नींद खुले और इस मामले में अब का कुछ कार्रवाई की जाती है वह देखे वाली बात हुई। दीदे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार का ख्याल। प्रणाम सर। बताइए सर, आप 10 रुपए लेते हैं लेटिंग जाने का? पहले हम सर आप 10 रुपए लेते हैं लेटिंग जाने का, मैं स्वयं देता हूँ। मैं फिर आप ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाए? फिर हर बाथरूम में लाइट क्यों नहीं है? ये इनकी हालत है। ये हालत है ये जर्जर। ये साबुन देते हैं, ये नल की हालत है हाथ धुलने के लिए, यहाँ की सफाई देख लें। पर कस्टमर से 10 रुपए लेते हैं। बताएं सर किसका ठेका है? सर किसका ठेका है? सर बताएं ना किसका ठेका है? सर बताएं सर किसका ठेका है भैया? जी सर हमको मालूम नहीं। तो फिर आप 10 रुपए काहे का लेते हैं सर जब व्यवस्था नहीं है? देखिए मैं बाथरूम गया मेरा पैंट गीला हो गया, आपके बाथरूम में लाइट नहीं है, 10 रुपए हम दे रहे हैं काहे का लेते हैं सर आप बताएं? अरे वो महात्मा है तो हम बता रहे हैं। वो स्टाफ है। आप नहीं हैं?
आप यहाँ भागवत बात के लिए आए हैं? आए हैं उन्हीं के काहे के लिए आए हैं? उनका गेस्ट हैं। काहे के लिए आए हैं? गेस्ट आप नहीं हैं आपके? तो काउंटर में आप ही बैठते हैं? बैठ जाना बात अलग, गेस्ट हैं उनका। अच्छा, ठेकेदार का नंबर कहाँ लिखा है सर? वही बता देंगे। कहाँ लिखा है आपने बताया? कर नंबर लिखा है, सुपरवाइजर का नंबर लिखा है। कहाँ पे? बोर्ड के पास में। क्या नाम है सुपरवाइजर का सर? है क्या नाम है सुपरवाइजर का? नंबर लिखा है। बोलिए ना, आपको बोलने में क्या है? नाम बताइए। टुंडा सिंह। टुंडा सिंह। नंबर लिखा है मोबाइल नंबर लिखा है। जय श्री राम।